एक और नई अनबॉक्सिंग जो है बहुत बड़ी, वो है किया सेल्टॉस। हाँ, ये किया सेल्टॉस है। ये ना तो ऑटोमेटिक है ना ये मैनुअल है, ये IMT मॉडल है। IMT मॉडल क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक गियर, जस्ट आपको एक बार पुल करना है और आपको रेस देके अपना निकल जाना है, और मैनुअल गाड़ी में आपको मैनुअली गियर डालना है और उसके बाद में क्लच दबा के गियर चेंज करते रहो। लेकिन इसमें दोनों है, आपको मैनुअल गियर भी मिल जाएगा और उसके जगह पे जहाँ है वहाँ आपको ब्रेक मिलेगा और आपको एक्सेलरेटर मिलेगा, जहाँ आपको क्लच नहीं मिलेगा। आपको क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं है गियर चेंज करने के लिए, आप बस गियर चेंज करते रहो और गेट टू गो। सेमी ऑटोमेटिक की तरह ही है, IMT मॉडल है। तो चलो करते हैं किया सेल्टॉस का रिव्यू। ये है सेकंड टॉप मॉडल है और देखते हैं सेकंड टॉप मॉडल में और क्या क्या आता है, इसका प्राइसिंग क्या है और इसका वॉक अराउंड मैं अभी आपको दे देता हूँ। लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेते हैं इसका वॉक अराउंड। तो चलो हम बात करते हैं इस व्हीकल के बारे में। ये है किया सेल्टॉस। यहाँ देखोगे किया की ब्रांडिंग दी हुई है। ये पूरा का पूरा क्रोम फिनिश है। आप देखोगे एक एंड से दूसरे एंड तक ये पूरा क्रोम फिनिश दिया हुआ है और ये एकदम ग्लॉसी फिनिश में इन्होंने यहाँ पे दी है ग्रिल। नीचे साइड में भी देखोगे, नीचे साइड में ग्लॉसी नहीं है, ऊपर साइड में यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश दी हुई है। तो यहाँ देखोगे यहाँ बहुत खूबसूरत है, एक यहाँ DRL लाइट्स यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी LED लाइट्स, ये भी LED स्ट्रिप है और नीचे आइस क्यूब फॉर्मेट में दी हुई है। जैसे फॉग लैम्प्स होती है वैसे आइस क्यूब फॉर्मेट में यहाँ पे तीन दी हुई है। सेम इस तरफ आता हूँ तो सेम यहाँ पर भी दूसरे एंड पे भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, सेम टू सेम। और यहाँ पर आगे साइड में सेंसर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 सेंसर्स आगे दिए हुए हैं। ये है, इसको अगर पुल करते हैं यहाँ पे, आपको गाड़ी टो करनी है तो यहाँ पे लगा के आप टो करके लेके जा सकते हो। इस तरफ आते हैं, यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखोगे कि एलॉय व्हील्स है, 17 इंच के एलॉय व्हील्स है। यहाँ टायर पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ दिया हुआ है 215/60R17, 17 इंच के टायर्स है और एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एलॉय व्हील्स पे आप देखोगे यहाँ पे भी ब्रांडिंग दी है किया की। ABS है दोनों, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में डिस्क ब्रेक्स है। यहाँ देखोगे यहाँ पे IMT की बैजिंग दी हुई है। मिरर के ऊपर जो इंडिकेशन लाइट है वो यहाँ पे दी हुई है। और हैंडल की तरफ आता हूँ, क्रोम फिनिश में हैंडल है। यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो। आपके जेब में चाबी होगी, बस आपको एक बटन प्रेस करना है। इवन अगर ये अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप चाबी से भी इसको ओपन क्लोज कर सकते हो। बैक डोर में भी क्रोम फिनिश दिया हुआ है। वॉक अराउंड में देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ किया है, सामने आप और मैं दोनों दिख जाएंगे इसके अंदर। इसका जो लाइट सेक्शन दिया हुआ है कम्प्लीटली आगे से लेके पीछे तक, खाली बीच का इतना सेक्शन छूट गया है, बाकी पूरे सेक्शन में जो बैक लाइट है बहुत बढ़िया तरीके से दी हुई है। और यहाँ पे देखोगे जो वाइपर्स दिए हुए हैं। तो ये गाड़ी का ओवरव्यू, अभी हम चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड में यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है किया कनेक्ट, इसका एक ऐप है। ऐप के साथ में ये गाड़ी कनेक्ट करके आप इसके फीचर्स का मज़ा ले सकते हो। यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है सेल्टॉस और यहाँ लिखा है किया। इसका एक बार बूट स्पेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखोगे कि बूट स्पेस है ये, तो आप देखोगे 430 लीटर का बूट स्पेस है। ये जो ट्रे है ये रिमूवेबल है, यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। आपको रिमूव करना है तो, अगर नहीं रिमूव नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है तो आप इसको लगा के यहीं पे छोड़ सकते हो। सीट की बात करते हैं, इसकी सीट जो है ये 40-60 के इसमें स्प्लिट होती है। अब यहाँ देखोगे कि ये सेक्शन 60% और ये 40% 60-40 में स्प्लिट करके आपको इसको एक्स्ट्रा बूट स्पेस बनाना है तो उसमें बना सकते हो, या पूरी की पूरी आप फोल्ड करके इसको आगे तक कम्प्लीटली बूट स्पेस इसका यूज़ कर सकते हो। और बात करते हैं इस सेक्शन के नीचे, यहाँ आपको 16 इंच का टायर मिल जाएगा जो कि एलॉय व्हील में नहीं है, ये नॉर्मल व्हील है। आप देखोगे अगर इसको भी अगर सेम एलॉय व्हील के साथ में अगर इन्होंने दिया होता तो और भी अच्छा होता था। और इसके अंदर आप देखोगे तो बाकी इसके बोलते हैं पाने जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर है। इसको कर दो बंद और इतना स्पेस है। तो ये है अपनी किया सेल्टॉस IMT मॉडल। तो चलो अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है इसके अंदर, अंदर के फीचर्स क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर साइड में। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करते ही डोर की साइड में आते हैं। डोर के आप देखोगे यहाँ पे दिए हुए बोस के स्पीकर्स है इसके अंदर, यहाँ स्पीकर्स है, यहाँ ट्विटर है, यहाँ पे दिया हुआ है ओपन और क्लोज करने के लिए, और ये लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ के बटन की बात करते हैं, यहाँ पे
लॉक अनलॉक दिया हुआ है, जैसे कि आप देखोगे मैं इसे लॉक करता हूँ तो लॉक होके फिर अनलॉक कर सकते हैं। ORVM के लिए इसे हमें अगर लेफ़्ट में करना है, कैसे करना है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको लेफ़्ट में राइट में किया, राइट में करने के बाद आप देखोगे कि ORVM इसके जो है इसके ईजिली मूव हो सकते हैं करके। ये आप बटन है ORVM को बंद चालू करने के लिए, ये ऐसे। और ये वर्कआउट करने के लिए हमें पहले इंजन ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद में ORVM चलेंगी शायद इसके। ओके देखिए ये मूव हो रहा है, सेम दोनों साइड में है। ये दोनों साइड की अगर मैं लेफ़्ट में करता हूँ तो लेफ़्ट का वर्क करेगा, राइट में करता हूँ राइट का वर्क करेगा। यहाँ पे विंडोज़ अप एंड डाउन करने के लिए एक है ऑटो है, बाकी वन शॉट में ये अप एंड डाउन हो जाएगी जैसे इसको अगर मैं करता हूँ तो। और इससे इसके थ्रू ये इसको कंटिन्यू होल्ड करना पड़ेगा। और विंडो ग्लास को लॉक करने के लिए खाली फंक्शन फ्रंट साइड से ही होगा, उसके लिए यहाँ बटन दिया है, बाकी पीछे ऑपरेट नहीं होगा। पीछे कोई बच्चा है या बेबी है तो यहाँ से अनलॉक अनलॉक करके रख सकते हो। तो ये है डोर का सेक्शन। यहाँ पे एक पानी की बॉटल क्रॉस में आ जाएगी, मेरे ख्याल से एक लीटर की आ जाएगी, उससे ज़्यादा बड़ी तो शायद आएगी नहीं। यहाँ पे सेल्टॉस की बैजिंग दी हुई है और यहाँ पे है वेंटिलेटेड सीट। ये वेंटिलेटेड सीट कवर है जो कि ये सेकंड टॉप मॉडल में आ रहा है। इसके अंदर एयर बैग्स है, 6 एयर बैग्स के साथ आ रही है। और यहाँ देखोगे आप वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो छोटे छोटे से होल दिए हुए देखोगे, इसमें से एयर पास होती है। तो अभी हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बताता हूँ अंदर और भी क्या फीचर्स अवेलेबल है। लो अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। यहाँ देखोगे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स यहाँ दी हुई है। ये जो सेक्शन है पीछे की जो सीट है उसको अप एंड डाउन करने के लिए है, और इससे मैं सीट को आगे और पीछे कर सकता हूँ कितना मुझे करना है मेरे हाइट और मेरे इसके हिसाब से। और इसको अगर मैं ऊपर उठाता हूँ तो सीट की हाइट यहाँ से कम ज़्यादा होती है, हाइट एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सीट्स के बारे में था। तो बात करते हैं अभी, सीट को हमने कर लिया है पूरा पीछे। पीछे करने के बाद मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा इसका स्टेयरिंग। यहाँ पे किया की ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पीक, मतलब यहाँ दबा के इसको हम कमांड दे सकते हैं वर्बली। यहाँ मोड्स है, मोड चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम टॉगल यहाँ दिया हुआ है, वॉल्यूम जो सेट करना है। यहाँ पे हम FM चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉल पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ से दिया हुआ है। इस तरफ आओगे तो यहाँ दिया हुआ है क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ से कर सकते हैं। सेट और रीसेट कर सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल को, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके और कैंसिल बटन दिया है। और बाकी फीचर्स में देखा है तो हॉर्न यहाँ पर है। तो इस तरफ आपका वाइपर कंट्रोल दिया हुआ है, वाइपर की कितनी स्टेजेस है, 0 to top यहाँ कर सकते हो। और अगर आपको करना है इसको चालू, यहाँ से ऑन एंड ऑफ करके इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए पहले गाड़ी चालू कर लूँ मैं। ये देखोगे ये वाइजर कंट्रोल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके और अगर मैं इस तरफ आता हूँ, इस तरफ आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे हेडलाइट्स का दिया हुआ है कि मेरे को अगर अपर डिपर मारना है तो मैं यहाँ से मार सकता हूँ, ऑन एंड ऑफ करना है तो लाइट का यहाँ है। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं यहाँ अगर रोटेट कर रहा हूँ इस सेक्शन को तो सामने दिखा रहा है कि क्या होगा, लाइट हेडलाइट्स ऑटो पे रखना है या ऑफ रखना है करके। तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और बात करते हैं इसके अप एंड डाउन के लिए, ये जो है इंडिकेटर लाइट देने के लिए कि हमको कौन से सेक्शन पे इसको टर्न वन लेना है। तो यहाँ पे से इसको अप एंड डाउन करके इंडिकेटर लाइट दे सकते हैं हम लोग, राइट या लेफ्ट। तो बात करते हैं कंसोल की। आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है एनालॉग कंसोल, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है टेम्परेचर मीटर। इस तरफ में आओगे यहाँ दिया हुआ है स्पीड कंट्रोल, स्पीड दिखाएगा आपको। और दूसरी बात यहाँ नीचे साइड में आओगे आपका फ्यूल दिखाएगा कि फ्यूल का इंडिकेशन कितना फ्यूल इसमें अभी फ़िलहाल है। और यहाँ नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ आपको दिख जाएगा व्हीकल की डिटेल, कौन से डोर्स ओपन है। अगर मैं ये डोर क्लोज करता हूँ तो यहाँ दिखेगा डोर इज़ क्लोज। यहाँ एवरेज आपको दिखा देगा कि क्या फ़िलहाल एवरेज दे रही है, फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, ये डीजल कार है। और नीचे साइड में आपको दिखा देगा कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है वो दिखा रहा है, और इस तरफ दिखा रहा है कितना किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है। अभी कभी और कितना रेंज बाकी है वो आपको ऊपर शो कर रहा है कि रेंज 9790 किलोमीटर और रन करेगी ये। और बाकी इंडिकेशंस आप ऊपर देख ही रहे हो, अभी पार्किंग ब्रेक और पार्किंग लाइट ऑलरेडी चल रही है इसके लिए, मतलब पार्किंग ब्रेक इसका लगा हुआ है। तो इस तरफ आओगे तो यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सेक्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग ट्रे दी हुई है। नीचे आओगे नीचे साइड में
12 वोल्ट का, 120 वॉट का आप यहाँ पे जो चार सिगरेट लाइटर जो है यहाँ लगा सकते हो। यहाँ यूएसबी दिया हुआ है डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, और यूएसबी से डायरेक्ट चार्ज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसको भी मैं कर देता हूँ बंद, और ये है एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे देखोगे कि ये वेंटिलेटेड सीट जो आगे की दोनों दी हुई है, ये कंडक्टर साइड और ड्राइवर साइड, एक ये बोल सकते हैं राइट और लेफ्ट के हिसाब से। व्यू के जो कैमरे यहाँ दिया, कैमरे का जो व्यू ऐसे इंडिकेशन दिया है, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आपको देखना है पीछे, ड्राइव चलती गाड़ी में आपको कैमरा चालू करना पीछे का, तो इसको दबाओगे ये बटन प्रेस करने पे वो कैमरा शो कर देगा। बात करते हैं इस पार्किंग सेंसर की। ये जो सेंसर है, ये जो फ्रंट साइड में दिया हुआ है सेंसर, उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है, तो नहीं तो कंटिन्यूसली इस ट्रैफिक में पैं 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 करके ये सीटी मारता रहेगा, आवाज़ आती रहेगी आपको। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, ज़्यादा डीप है नहीं, छोटा सा बॉक्स है। अगर इसको बंद करता हूँ तो बस इतना छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, आगे की तरफ सरकता नहीं है, इतना ही है, बस इसको ओपन करना है और क्लोज करना है, इसमें मूवमेंट कुछ नहीं, इतना ही हैंड रेस्ट है बस। इस तरफ आओगे आप देखोगे कि मैनुअल गियर सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, 6-speed मैनुअल गियर है और रिवर्स है। रिवर्स एक्चुअली यहाँ दिया हुआ है कि जैसे ये बटन है इसको मेरे को दबाना पड़ेगा, दबा के मेरे को यहाँ ला के यहाँ ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिवर्स में जाएगा। और यहाँ देखोगे कि यहाँ रिवर्स में दिखा रहा है, कैमरा पीछे का शुरू हो चुका है। ओके, रिवाइंड जब लेते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैं स्टेयरिंग रोटेट कर रहा हूँ तो येलो लाइन दिखा रहेगी कि कितने सेक्शन पे जाके, कितने पार्किंग एरिया में जाके इजीली पार्क हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर भी। जैसे ही देखोगे कि मैं स्टेयरिंग घुमाता हूँ और ये भी गोल गोल रोटेट होता रहेगा येलो लाइन जो है। रिवर्स से इसको निकाल देता हूँ, नॉर्मल पे ले आता हूँ। नीचे से साइड आओगे, यहाँ नीचे आपको क्लच नहीं दिखाई देगा, ओनली यहाँ ब्रेक दिखेगा, और इस तरफ आपको रेस देने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है बस। तो क्लच नहीं है, खाली ब्रेक और रेस, जैसे ऑटोमेटिक ही है, गियर डालो बस रेस दे दो गाड़ी चल पड़ेगी, ब्रेक मारो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, लेकिन गाड़ी बंद नहीं होगी। इस तरफ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल है। आगे जो साइड में ये जो बटन है, ये यहाँ पर जो अंदर है जो भी मीटर्स है, इनकी लाइट कम ज़्यादा करने के लिए, कि नाइट में अगर ड्राइव कर रहे हो वो टाइम पे अगर आपको लाइट ज़्यादा कम चाहिए तो आप यहाँ से इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये अब ये जो लाइट एडजस्टमेंट करनी है, जो हमारी आगे LED लाइट्स लगी उसको एडजस्टमेंट करना है रोड पर ड्राइव कर रहे टाइम आपको क्या हाइट पर, ये जो अप एंड डाउन थोड़ी होती रहती है लाइट्स, वैसे है ये। देखोगे यहाँ पे 10 इंच की एक अच्छी सी टच स्क्रीन दी हुई है, इसका जो टच है आप देखोगे, ओके टच इसका बहुत बढ़िया दिया हुआ है। बैक व्हीकल नेविगेशन, फ़ोन कनेक्ट, किया कनेक्ट, एडवांस बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग, प्लीज़ यूज़ द सिस्टम टू इंजन रनिंग, ओके वो ये चल रहा होगा। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसके लिए इसको भी कर दिया ऑफ, तो अभी वार्निंग आएगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बताता है कि अगर कुछ इंजन ऑफ है वो टाइम पे शायद बैटरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, बैटरी डाउन हो सकती है। डिस्प्ले दिया हुआ है, साउंड कंट्रोल दिया हुआ है, साउंड भी इसकी अच्छी खासी है। यहाँ पे हम लोग जाके इसका बेस जो भी साउंड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि फ्रंट सेंट फ्रंट में ज़्यादा चाहिए, बीच में बैक ज़्यादा चाहिए, या सेंटर में रख के इसको इक्वल कर सकते हैं। इक्वलाइजर यहाँ पे दिया हुआ पे कि हम लोग इसका बेस और साउंड चेक ईजिली सेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर आते हैं साउंड सिस्टम में, साउंड सिस्टम में आके आप देख सकते हो बीप चाहिए, रिंगटोन चाहिए, जैसे हमने मोबाइल के सिस्टम के अंदर है, एंड्रॉयड सिस्टम में इसी तरह उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। जाते हैं हम होम पे, ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेविगेशन सिस्टम। ओके चलो होम पे वापस चलते, बात करता हूँ AC यूनिट के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे देखोगे कि आप AC यहाँ से चालू कर सकते हो, AC का ऑन बटन है, ये फ़ैन कंट्रोल है, आपको फ़ैन की स्पीड कितनी कम ज़्यादा करनी यहाँ से कर सकते हो। और बाकी एयर फ्लो कैसे चाहिए आपको, ये इंटरनल कैबिन के साथ में चाहिए तो इसको ऑन रखना, अगर ऑफ़ करोगे तो बाहर का एयर फ्लो डायरेक्टली बाहर की आवाज़ अंदर आती है, एयर फ्लो को ऑन एंड ऑफ करने के लिए है। ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो आपको एयर फ्लो कौन से सेक्शन में चाहिए, स्ट्रेट चाहिए या नीचे चाहिए या फ्रंट से ऊपर चाहिए, तो हम लोग वैसे यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये रियर के लिए है और ये फ्रंट के लिए हुआ है, आप देखोगे यहाँ फ्रंट में ऊपर साइड में यहाँ से हवा आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से आवाज़ आ रही है, और सेम पीछे का भी है, रियर का यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑफ करना है तो उसको क्लिक करके ऑफ़ कर दो, ऑटोमेटिक पे करके छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट करता रहेगा, और इसको या फिर मैनुअली आपका सेट करना सकते हो, मैनुअली भी इसको टेम्परेचर इसका आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसका सबवूफर दिया हुआ है, बोस के स्पीकर्स हैं,
आगे साइड में एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्पीकर यहाँ दिया हुआ है, एक ट्विटर यहाँ दिया हुआ है, एक ट्विटर यहाँ दिया हुआ है, और पीछे भी देखोगे पीछे भी दो स्पीकर, मतलब इसके अंदर चार स्पीकर है और दो ट्विटर इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ देखोगे कि एक स्पीकर बैक साइड में दिया हुआ है, तो मतलब इस गाड़ी के अंदर टोटल देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 स्पीकर है, दो ट्विटर है और एक सब वूफर है। तो बात करते हैं ऊपर का प्लास्टिक जो यूज़ कैसा किया है। प्लास्टिक थोड़ा हार्ड है इसका, सॉफ्ट टच में नहीं है इसका, हाँ, लेकिन ये सेक्शन इन्होंने सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। और नीचे साइड में जो इसका ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा लंबा है पर ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन है कि लंबाई में अच्छा खासा दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ और है कि ये ऊपर जो सनरूफ है, यहाँ सनरूफ भी दिया हुआ है, इसके अंदर सनरूफ दिया हुआ है। अगर ओपन करना है तो बस इसको मेरे को क्लिक करना है यहाँ से और सनरूफ ओपन हो जाएगा। ये मैं किया को भी, ये वॉइस कंट्रोल के हिसाब से भी मैं सनरूफ को ओपन एंड क्लोज कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ इसको क्लोज। ओके, सनरूफ हो गया क्लोज, पर इसको मेरे को मैन्युअली ही क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि इस दोनों साइड में यहाँ पे LED लाइट्स दी हुई है। ओके, और इसको चाहिए मैनुअल करना है तो मैनुअल ओपन कर सकते हो। बाद में अगर इधर आते हैं तो यहाँ पे जो मिरर दिया हुआ है ये ऑटो डिमिंग मिरर है। यहाँ से आप SOS डायरेक्ट प्रेस करके आप SOS जो भी इसमें रजिस्टर किया हुआ नंबर उसको डायरेक्ट कॉल जा सकता है। यहाँ पे टूरिंग वैन का दिया हुआ किया कनेक्ट के साथ में, यहाँ से क्लिक करके आप किया कनेक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल AC ऑफ करते हैं, चलते हैं दूसरे साइड में और बात करते हैं बाकी गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं, उस तरफ जो ड्राइवर साइड सीट थी आप देखोगे कि वहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट दिया हुआ था, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है। अगर दोनों साइड में भी दे देते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इतना पैसा लिया तो दे देना चाहिए यार। हाँ, लेकिन है कि सीट वेंटिलेटेड है दोनों साइड की, वो इशू नहीं है। 70 मैट है, ये शायद एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरफ भी आओगे यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है, लेकिन इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, वन शॉट में यह अप एंड डाउन नहीं होगा। और बोस के स्पीकर्स है, 1 लीटर की बॉटल यहाँ आ जाएगी आपकी। तो अब हम बात करते हैं पीछे के डोर के बारे में। पीछे के डोर में ये देखोगे कि यहाँ पे लेदर फिनिश दिया हुआ है, लेदर फिनिश का मेरे ख्याल से लेदर ही है। और बोस के स्पीकर यहाँ भी दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे ORM के ऑटो बटन दिए हुए कि अप एंड डाउन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर देखोगे यहाँ पे इन्होंने शीट, ये जो है धूप के लिए, धूप से बचने के लिए सन शेड के लिए शीट दी हुई है, ओनली बैक सीट के लिए दिया हुआ, फ्रंट के लिए नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ सीट में भी, ये भी डिज़ाइन जो है वेंटिलेटेड सीट जैसे आगे दिए वैसा है, लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं है, ये हनी बी का जो डिज़ाइन होता है उसकी तरह इसको दिया हुआ है, ये देखिए। और इस तरफ आते हैं, यहाँ देखोगे 3 हेडरेस्ट दिए हुए हैं प्रॉपरली, तीनों एडजस्टमेंट होते हैं अप एंड डाउन। ओके, होते हैं। ये जो सीट है 60-40 में स्प्लिट होती है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था 60% ये, 40% ये। इसको मैं जब नीचे करता हूँ तो यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, और जब इसको बंद करें अंदर बैठने में कंफर्टेबल है पीछे से। ओके, आप देखोगे कितनी सीट मुझे मिल रही है, ये वेंटिलेटेड सीट है करके इसका हार्ड टॉप दिया हुआ है, ठीक है। इस तरफ आओगे यहाँ पे दिया हुआ है एयर प्यूरीफायर, अभी यहाँ के एयर दिखा रहा है, यह दिखा रहा है टोटल 130। और नीचे साइड में बैक साइड में AC वेंट दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल है, USB दिया चार्जिंग के लिए। और यहाँ नीचे साइड में आओगे, नीचे साइड में मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। तो यहाँ देखा जाए तो स्मार्ट एयर प्यूरीफायर वायरस प्रोटेक्शन 113। ओके, तो ये था गाड़ी का रिव्यू। आप देखोगे आगे साइड में, इसे पीछे से आगे ले रहा हूँ तो इसका जो व्यू आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। इस तरफ भी सेंटर में 2 LED लाइट दी हुई है, इसको ऑन एंड ऑफ करना है तो हमें कंट्रोल यहाँ से नहीं होगा, कंट्रोल आगे से होगा, मैंने कंट्रोल ऑफ करके रखा है। ओके, ये देखिए ऑन एंड ऑफ यहाँ दिया है। साइड में इसके हैंडल दिए हुए हैं, फ्रंट में दिए हुए हैं, खाली आगे साइड में नहीं है और यहाँ दिया हुआ है। तो 6 एयरबैग के साथ में ये गाड़ी आ रही है, और ये कंप्लीट गाड़ी का रिव्यू है। तो अभी एक बार इसके टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं हम लोग। बस एक बार गियर डाल दिया है, अभी स्टेयरिंग मेरे को बहुत प्यारा लगा, इतना लाइट है ना कि पूछो मत। गोल्ड डिज़ाइन है यहाँ पे, और आगे की तरफ अगर देखते हैं तो मैं थोड़ा हिली एरिया में ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है। फर्स्ट गियर डालो,
गाड़ी अपने आप ड्राइव करने लग जाती है। आगे की तरफ अगर देखते हैं, ये आप देखोगे पूरा कम्प्लीटली ये हिली एरिया है। तो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाली गियर चेंज करो बस निकलो, पैर की तकलीफ गायब हो जाएगी अगर ये गाड़ी चला ले तो, कमर की तकलीफ नहीं रहेगी क्योंकि क्लच है ही नहीं, ना हार्ड होने का झंझट है ना सॉफ्ट का है, गियर डालो और बस निकल लो। अगर मैं इतने उबड़ खाबड़ जगह पे चला रहा हूँ फिर भी मुझे इतना मेरे को बॉडी रोल नहीं है इसके अंदर, जैसे कि इको स्पोर्ट्स में मैंने देखा कि बॉडी रोल ना के बराबर है, वैसे इसी में भी मुझे बॉडी रोल मेरे को लगभग है थोड़ा, लेकिन ना के बराबर ही है, उतना बेरेबल है, बेरेबल बोलो तो इतना बेकार नहीं है, इट्स अ नाइस कार। अभी आप देखोगे इतनी कम जगह है और अब इस जगह पे शूट करके ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी स्पीड भी अच्छी खासी हो रही है, 20-25 है, मैं तो फिलहाल उतार रहा हूँ, गियर लगा हुआ है, क्लच दबाने का झंझट नहीं, ना हाफ क्लच का झंझट है ना फुल क्लच का झंझट है इधर। तो क्लच का भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है ना, अभी मेरे को बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, सामने कोई आ भी जाए तो उसमें कोई इशू तो नहीं है, बस मुझे ब्रेक दबाना है और मेरे को रेस करनी है और गियर चेंज करना है बस, क्लच दबाने तो नॉर्मल मैनुअल में क्या हो रहा है कि मैं क्लच दबा के रख रहा हूँ, कोई हाफ क्लच में रख रहा हूँ, फिर मैं ट्रैफिक में भी जा रहा हूँ तो हाफ क्लच है तो पैरों के घुटनों का बोले बहुत बुरा हाल हो जाता है। देखोगे इसका जो टर्निंग रेडियस भी बहुत प्यारा दिया हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टर्निंग रेडियस है। तो अभी फिलहाल ड्राइव एंजॉय कर लीजिए, फिर मिलते हैं, चलो। तो ऑन कर दिया, देखोगे पीछे का कैमरा ऑन हो गया चलती गाड़ी में, पीछे साइड में जो भी व्यू है मुझे यहाँ पे इजीली दिखता रहेगा। तो अभी मैं फिलहाल गाड़ी अपना हिल से उतार रहा हूँ, तो पीछे हिल सेक्शन दिया हुआ है, मैं फिलहाल कैमरा ऑफ कर देता हूँ।